अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम बनाएंगे मलाई चिकन टिक्का। ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस, क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होता है। तो हमने इसको बोन में बनाया है। आप चाहें तो इसको बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी होता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने 800 ग्राम चिकन लिया है, उसमें हमने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1.5 स्पून हमने गरम मसाला डाला है और 1 टेबल स्पून हमने काली मिरी पाउडर डाला है। और अब हम है ना ये हरी मिर्ची और काजू का एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसे हमें आधा ही डालना है और आधा हमें आगे यूज़ करना है। हम आपको आगे बताएंगे हमें किस तरह से इसका यूज़ करना है। और हम नमक ऐड करेंगे और आधा नींबू लेंगे और आधे नींबू को हम इसके अंदर डालेंगे, आधे नींबू के डाल के। और हम इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करके हम 1 से 2 घंटा रख दें। फिर हम एक पैन में बटर और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करें बस। और हमें वो जो मैरिनेट चिकन है हमें उसको ऐड करना है इसमें। और इसमें ऐड करने के बाद हमें इसको ढक के पकाना है 15 से 20 मिनट। आप देखिएगा इसको इस तरह से मिक्स करके, बस हमें इस तरह से इसको ऐड करके और इसको हमें ढक के 15 से 20 मिनट पकाना है। फिर खोल के चेक करते रहिए, चलाइएगा और फिर सब भून के इसको सेपरेट कीजिएगा। और जो इनके पीस है उनको निकाल के और एक किसी जाली पे रख के हमें उसको इस तरह से सिकड़ी करना है। देखिएगा सारे पीसों को हमें इसको इस तरह से सेकना है अलग से जाली पे। और बाकी जो मसाला बचा था उसको हम वही पैन में साइड में कर लेंगे और थोड़ा सा 1 चम्मच जैसा हम उसमें बटर ऐड करेंगे और जो हमने काजू और मिर्ची का पेस्ट बचाया था वो डालेंगे। ज़रा सा पानी ऐड करके 1 से 1.5 मिनट इसको हम पका लेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट ही हमें इसको पकाना है ताकि जो हरी मिर्च और काजू का भी हल्का कच्चापन है वो भी चला जाए। ये देखिए इस तरह से हमारी ग्रेवी हो जाएगी। और हमें आधा कप भर के इसमें क्रीम ऐड करना है, हमें क्रीम ऐड करना है। और इसी के साथ हमें थोड़ी सी इसके अंदर चाट मसाला और काली मिरी ऐड करना है और थोड़ा सा हमने नमक भी ऐड किया था, बिल्कुल ज़रा सा मामूली सा। और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और जो हमने चिकन फ्राई रोस्ट किए थे उनके इस ऊपर हमें ये सॉस डाल देना है। ये सॉस हमें पूरी उसी के ऊपर पका के डाल देना है बहुत अच्छे से। और अब हम एक बटर लेंगे, बटर को हम मेल्ट कर लेंगे, बटर को हम मेल्ट करके इसके ऊपर ऐड करेंगे। इस तरह से हमें बटर ऐड करना है। बस ये हमारा चिकन रेडी है। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टफुल है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, रमज़ान में भी आपके घर में सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हम इसको नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं और एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं। ये हमारा क्रीमी और बटरी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन बना है। अल्लाह हाफिज़। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह।